एनसीईआरटी किताब की मैथमेटिक्स आपकी चल रही थी, एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन, इसमें हम चैप्टर दो कंप्लीट करा चुके हैं और चैप्टर दो में आपका चैप्टर 2.1 एक्सरसाइज, चैप्टर 2.2 एक्सरसाइज ये कंप्लीट हो चुकी है। अब चलेगी आपका चैप्टर दो पर विविध प्रश्नावली, यानी कि चैप्टर दो की विविध प्रश्नावली। तो यहां पर लिख दे रहे हैं आपका अध्याय दो विविध प्रश्नावली, ठीक है। ये विविध प्रश्नावली कोई और नहीं है बल्कि इनको तो छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इसमें वही सवाल हैं जो 2.1 यानी 2.1 2.2 जितनी भी एक्सरसाइज हैं चैप्टर दो में उसकी सभी एक्सरसाइजों का मतलब मिला जुला के प्रश्न इसमें दिए गए हैं। जैसे कि पांचवा चैप्टर है बहुत बड़ा, 5.1 एक्सरसाइज से लेकर 5.13 एक्सरसाइज थे, ठीक है। तो 5.1 से लेकर 5.13 तक के जितने भी एक्सरसाइज के इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट सवाल हैं वो सारे विविध प्रश्नावली में दे देते हैं, एक एक तरह का हर कॉन्सेप्ट का सवाल उसमें मिल जाता है। खैर छोड़िए, हम ज्यादा डिस्कस ना करते हुए सीधे सीधे इसके सॉल्यूशन पर चलते हैं। पहला सवाल देखिएगा, विविध प्रश्नावली दो का पहला सवाल आपको दे रखा है cos inverse cos 13 π/6। इसका आपको मुख्य मान निकालना है। हमने पहले ही बताया था जब भी कभी भी मुख्य मान आपसे पूछे तो आप देखिए cos है, cos का मुख्य मान कितना होना चाहिए, देखिए cos का जो होता है वो 0 से पाई के बीच में होना चाहिए, यानी कि 0 से 180 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। 0 या 0 से 180 के बीच में लाई करना चाहिए, लेकिन ये 13 π/6 है जो कि इसमें बिलोंग नहीं कर रहा, तो मतलब ये मान तो होगा नहीं इसका प्रिंसिपल वैल्यू। हालांकि cos इनवर्स से cos काट देंगे तो ये तो 13 π/6 आ जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा, इसलिए हम यहां पर लिख देंगे 13 π/6 नॉट बिलोंग्स टू 0, π। ये 0, π में बिलोंग नहीं करता, यानी कि ये इसके बीच में नहीं आता है। इसलिए अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हम इसको मान ले रहे वाई, वाई बराबर कॉस इनवर्स कॉस 13 π/6 ये है, y बराबर cos इनवर्स। जब भी कभी भी नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या ज्यादा, जैसे 13, 14, 15, 16 यानी 6, 7, 8 कुछ भी होती, नीचे 6 है तो 6 से ऊपर ज्यादा है, तो आपको क्या है ऊपर वाले में भाग कर लो। पहले कैसे भाग करोगे, 6 का भाग कर लो, 6 × 12 है, कितना बचा 1 बचा। तो आपको लिखेंगे कैसे इसको, cos देखिएगा ध्यान से, इसको मैं इस तरीके से लिख रहा हूं बड़े ब्रैकेट में, देखिए हमने कितने बार पूरा पूरा भाग चला गया, 2 बार, तो यहां पे लिख देंगे 2π+ कितना बच रहा है शेषफल, कितना बच रहा है 1 का मतलब π/6, सिंपल सा। देख लो कितने बार ये पूरा पूरा कट रहा है उतना यहां पे लिख दो, बाकी का बच रहा है उतना π/6, यहां पे 6 तो नीचे ही है, ठीक है, ये समझ में आ गई। यदि यहां पर मान लीजिए 21 होता बट्टे नीचे 6 होता तो आप कितना लिखते, आपको पता है कैसे लिखते, 6 × 6 = 18 यानी 3π/6 ऐसे, ठीक है। अब इससे ये कट जाता तो कितना हो जाता, जो भी ये आप काट लेते। यदि यहां पे मान लीजिए 17 होता 17π/6 तो आप कैसे लिखते, 6 से 17 काट लो कितना, 6 × 12 6 × 18 तो 6 × 12 2π+5/6 ऐसे लिख देते, समझ पा रहे हो बात को, तो वही काम हमें लिखना होता है। तो यहां पे ये समझ में आ गए। अब ये देख लो cos, ये 360 वाला फॉर्मूला बन गया या ये वाला फॉर्मूला हो गया, cos n π/θ बराबर क्या होता है, cos थीटा होता है, चाहे कितना भी हो। तो आप लिख सकते हो इसको cos, ये 2n π है, चाहे 2 n की जगह पर 2 आ गया, π/π/6 ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये अपने आप में बनेगा cos इनवर्स cos थीटा की जगह पे π/6 आ जाएगा, ये आ गया। अब आपको पता है कि भैया π/6 आपका बिलोंग्स करेगा इसमें 0, π में, ये बिलोंग करेगा, क्यों, π/6 का मतलब है ये 30 अंश और 30 अंश 0 से 180 के बीच में आता है, इसलिए ये cos ये कट जाएगा, तो y बराबर कितना आ जाएगा π/6, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिएगा अब ऐसे ही आप देखिए दूसरा वाला सवाल देखिएगा, दूसरा वाला सवाल क्या कह रहा है, ये है आपका tan इनवर्स
टेन इनवर्स टेन 7π/6 ये है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है टेन का कितना होता है 7π/6 नॉट बिलोंग्स टू -π/2, π/2 यानी कि -90 से +90 के बीच में होना चाहिए वैल्यू, जो कि ये नहीं है, इसीलिए ये इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है। तब हम इसको चेंज करेंगे, और चेंज करेंगे कैसे, यहाँ पे वाई लिखेंगे, वाई बराबर टेन इनवर्स ये है टेन 7π/6। मैंने क्या बताई थी बात, जब भी कभी भी नीचे वाले से ऊपर वाला ज्यादा हो, यानी अंश बट्टे हर, हर का मान अंश से कम हो, या ये है अंश ये है हर, अंश का मान हर से ज्यादा हो, कुल मिलाकर बात ऊपर की वैल्यू यदि ज्यादा है, तब आपको वही पहाड़ा पढ़ लेना है। कैसे पढ़ेंगे पहाड़ा के भैया, ये देखिएगा कैसे पढ़ेंगे हम पहाड़ा, हम पढ़ेंगे 6 × 6 यानी एक बार जा रहा है 1π+, और 6 में से कितना ज्यादा गया 7, 1π/6, समझ में आई, 1 1, क्योंकि 7 में हम 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 6 × 6 एक बचेगा, तो यहाँ पर इस तरीके से करा था 1π+1π/6 ऐसे लिख देते हैं, ठीक है चलेगा, वही चीज ये हो गया। टेन 180 + थीटा टेन थीटा होता है, तो वाई बराबर क्या आ जाएगा टेन इनवर्स, और ये हो जाएगा आपका टेन 5/6 यानी 30 आ गया ये, तो 30 इसमें आता है, -90 से +90 के बीच में 30 आता है, इससे ये कट जाएगा, तो वाई बराबर 5/6 क्योंकि ये 5/6 है ये बिलोंग करेगा आपका -π/2, π/2 क्योंकि हमेशा प्रिंसिपल वैल्यू इसके बीच में यानी चाहिए। चलिएगा ये आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है चलिए जल्दी से इसको कर लीजिए, दोनों सवाल हो चुके हैं, तीसरा सवाल कुछ अलग तरीके का, जल्दी से इसको कर लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं अपने तीसरे सवाल पर, तीसरा सवाल क्या कह रहा है आपका, ये आएगा तीसरे से लेके सातवें तक सिद्ध करना है आपको, ठीक है यानी कि सिद्ध करने वाले हैं, अब सारे ही सवालों में क्या करना है आपको, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, 2 sin inverse 3/5 = tan inverse 24/7 ये चीज प्रूफ करनी है। ऐसे सवालों में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप LHS लेकर चल लो या RHS लेकर चलो, हम LHS लेकर चल रहे हैं, LHS 2 sin inverse 3/5 ये है, ये देखिएगा ये अपने आप में एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है 2 sin inverse थीटा होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये दो फॉर्मूले होते हैं यार, इनको देख लो, 2 sin inverse x का होता है 2 sin inverse θ = 2θ अंडर रूट में 1 - θ², और यही फॉर्मूला 2 cos inverse x का होता है, लेकिन इसको छोड़िए, आप इस वाले को देखो जरा, 2 tan inverse x = tan inverse 2x / 1 - x², यदि मैं इसको sin inverse x को या इस sin inverse को tan में बदल दूं, तो डायरेक्टली मैं 2 tan inverse x का फॉर्मूला tan में बदल दूंगा, और टेन में ही हमको लेकर आना है, तो हम इसी साइन को टेन में बदल लें पहले, फिर डायरेक्ट निकल लेंगे, या फिर आप ये वाला फॉर्मूला लगा दो पहले, टेन में आ जाएगा ये इसमें इसमें चीज आ जाएगी, ये साइन में आ जाएगा, फिर उसको टेन में बदल लो, लेकिन इसमें सॉरी ये गलत कर दिया हमने, ये साइन इनवर्स भी आएगा साथ में, ठीक है इस तरीके से, ठीक है। तो आपको करना क्या है वो आप देख लीजिए, ठीक है आपको जैसा बेटर लगे, तो मैं इसको सिंपल सा तरीका ये बता दे रहा हूं आपको, इससे करना सीखिए, ठीक है। आप पहले इस वाले साइन को साइन इनवर्स को टेन इनवर्स में बदल लो, तो आप जानते हो कि भैया ये एल ए एल के ए, ये साइन है लंब बट्टे कर्ण दे रखा है, तो यहां पर क्या है लंब, ऐसे समझ लो एक त्रिभुज बना लिया करो, ये त्रिभुज बन गया इस तरीके से, ठीक है हाँ, यहां पर एक थीटा बन गया, तो अब देखिएगा ये इसका आधार है, ये लंब है, ये कर्ण है, और साइन में क्या होता है लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण, तो ये लंब है यानी कि ये 3 दे रखा है, और कर्ण ये आपका 5 दे रखा है, तो आधार कितना हो जाएगा, आप देखिए आधार नॉर्मली कैसे निकलता है, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर,
ठीक है, कर्ण का स्क्वायर यानी कि आपका 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 25, 25 में से और 3 3 9, 25 में से 9 जाएंगे तो कितना बचेंगे 16, यानी कि ये हो जाएगा आपका 25 माइनस 16, तो कुल मिलाकर ये हो जाएगा सॉरी 25 माइनस 9, 25 में 9 गए 16 यानी कि 4 आ जाएगा, तो ये आपका 4 आ गया। तो अब आपको ये नॉर्मली बदल गया टेन में, टेन बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, लंब कितना है, लंब है 3 और आधार कितना आया है 4, ये टेन में बदल गया। अब ये 2 tan inverse x का फॉर्मूला होता है, tan इनवर्स क्या होता है, tan इनवर्स 2x यानी कि 2x की जगह पर 3/4, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह पर 3/4 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये ही वैल्यू आ जाएगी, देख लो नहीं तो tan इनवर्स ये कितना हो जाएगा 6/4, 1 माइनस 3 3 9 बट्टे नीचे 4 6 16, ये आ जाएगा 16 1 16, 16 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 16 में से 9 जाएंगे 7 बचेंगे आपके, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स ऊपर है 6/4, नीचे आ जाएगा 7/16, इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इसकी मल्टीप्लाई इसमें, तो ये कितना हो जाएगा tan इनवर्स, ये हो जाएगा आपका 6/4 तो है, 6/4 है, इसको ऊपर पहुंचा देंगे तो कितना हो जाएगा 16/7, नीचे था 7/16, जब इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी तो 6 × 16 और नीचे 4 × 7, नहीं इसको उल्टा करके मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक समझ में आएगी बात, ये हो जाएगा 4 6 16 कट गया, 6 6 24/7 आ जाएगा tan इनवर्स 24/7, यही चीज तो प्रूफ करनी थी, बराबर RHS प्रूफ हो गया ना, हो गया प्रूफ, चलिए बहुत जल्दी इसको कर लीजिए। ऐसे ही आपका आगे वाला सवाल है, यही सवाल आगे वाला है आपका चौथा, चौथे सवाल को देख लीजिए, चौथा भी सवाल इसी तरीके का है, चौथा सवाल आपका क्या कह रहा है, साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 बराबर टेन इनवर्स 70/36। चलिएगा, बहुत ही प्यारा सवाल है, लेकिन आपको क्या है इसमें फॉर्मूले का याद रखना है, बस एक फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या होता है आप ऐसा समझ लीजिएगा, नॉर्मली आपको देखिएगा हमने क्या बताई थी कि आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, ये टेन में लेकर आना है, तो आपने एक फॉर्मूला देखा था टेन इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई बराबर क्या था फॉर्मूला, tan इनवर्स एक्स प्लस वाई बट्टे 1 माइनस एक्स वाई, यही था, तो आप इसको tan में बदल लो, इसको tan में बदल लो और फिर डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला लगा दो। चलिएगा, इसको tan में बदल देंगे, tan में बदलने के लिए यहाँ पे एक त्रिभुज बना लो, पहले इसके लिए एक त्रिभुज बना लो, एक इसके लिए त्रिभुज बना लो, ठीक है, इस त्रिभुज के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा आपका, ये देखिए साइन में आप जानते हो एल ए एल के के ए, ठीक है, लंब बट्टे कर्ण, तो लंब इसमें कितना है 8 और कर्ण दे रखा है 17, इसमें कितना दे रखा है लंब 3 दे रखा है, कर्ण दे रखा है 5, ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वाली वैल्यू हो जाएगी 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, यानी कि 17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा वो कर लो और नीचे 8 का स्क्वायर कर लो, इसमें कितना हो जाएगा, इसमें 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर का अंडर रूट, 25 25 माइनस 9 यानी कि 16 और 16 का वर्गमूल कितना हो गया 4, तो ये वाली वैल्यू तो 4 आ गई और ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, अब 17 का स्क्वायर करना है आपको, तो कैसे करेंगे भाई 17 का स्क्वायर, देखिए आपको स्क्वायर करने की मैं ट्रिक भी बता दूंगा, लेकिन यहाँ पे क्या है 7 7 49 का 9 हासिल 4, 1 × 7 × 2 कर लो, 1 × 7 7 × 14 14 4 18 का 8 हासिल 1, 1 × 1 = 2, 289 हो जाएंगे, 289 माइनस 8 × 2 = 64, 64 इसमें से घटा दो, 9 में से 4 गए तो बचेंगे 5, 8 में 6 गए 2 और ये आपका 2, ये आ गया 225, वर्गमूल 225, 225 कितने का होता है, 225 होगा आपका 15 का, 15 का होता है आपका 225, ठीक है, नहीं तो करके देख लो 25 आ जाएगा, 1 × अगले में कर लेते हैं 2, ये आ जाएगा, ठीक है, ये 15 आ गया, तो कुल मिलाकर बात ये है कि इस वाली चीज को tan में बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे, tan इनवर्स
LALKKA, ठीक है, ये देख लीजिए, लंब बट्टे आधार, ठीक। इसका लंब कितना है? इसका लंब है ये, और आधार है ये, इसका लंब है ये, आधार है ये, तो लंब बट्टे आधार, लंब क्या है 8, आधार क्या आया है 15, प्लस 10 इनवर्स, लंब क्या है 3, आधार क्या है 4, ये आ गया। अब डायरेक्टली फॉर्मूला लगा देंगे हम, 10 इनवर्स, कौन सा 10 इनवर्स, एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई, यानी कि एक्स प्लस वाई यानी कि 8/15 प्लस 3/4, 1 माइनस xy यानी कि 8/15 गुणा 3/4, ये आ गया। अब इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करने का तरीका वही है 10 इनवर्स। कैसे सॉल्व करेंगे? ऊपर ये 15 चौके 60, ऐसे कर लीजिए। देखो इस टाइप के सवालों को सॉल्व करने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई करो, सीधी सीधी बात, 15 चौके 60 नीचे की गुणा कर लो पहले, 15 चौके 60, 4 की मल्टीप्लाई इसमें, 15 की मल्टीप्लाई इसमें, 8 चौके 32 प्लस 15 3 45, नीचे क्या है ये 15 चौके 60 है, ठीक है, नीचे तो आप लिख लो 60, ये 15 चौके 60, और यहां पर एक रहता है तो 60 माइनस, ये 60, 15 चौके 60, क्योंकि एलसीएम लेंगे अगली लाइन में तो ये इधर ही आ जाएगा। इस टाइप के सवालों को करने का तरीका मैं बता रहा हूँ, नीचे जो भी है उसकी गुणा कर लो, उसको यहाँ पर रख दो क्योंकि यहाँ पर 1 है, तो 15 चौके 60 माइनस, और 8 3 ये हो जाएंगे 24, ये इससे ये कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 10 इनवर्स, ये आ जाएगा 5 और 2 7 4 3 7 77, नीचे 60 में से 24 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 7 में से 20 जाएंगे तो बचेंगे 50, 50 में से 4 जाएंगे तो बचेंगे कितने 46, देख लीजिए कितना हमको प्रूव करना है, 36, सॉरी ये 36 आ जाएगा, देख लो 60 में से 24 जाएंगे तो 36 बचेंगे, सिंपल सी बात है, यही आपको क्या चाहिए था, आर एच एस प्रूव, ठीक है। अब आपको मैं देखिए गुणा वर्ग वर्ग करना ही बता दूंगा, डायरेक्टली वर्गमूल करना ही बता दूंगा, जैसे मैंने यहाँ पे डायरेक्टली करे थे, ठीक है, चलिएगा आप ऐसे कर लीजिएगा, आप तो कर ही लोगे ना, कॉन्सेप्ट समझ में आया, देखिए ये है आपका साइन इनवर्स, ऐसा समझ लो, एक बार मैं फिर से आपको बता दे रहा हूं, एक त्रिभुज बना, ये क्या है, ये लिख लो पहले, ये साइन में दे रखा है लंब बट्टे आधार, ये लंब है आपका 8 और कर्ण है आपका 17, तो हमको तो आधार चाहिए, और आधार बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वेयर माइनस लंब का स्क्वेयर का वर्गमूल, तो ये 17 का स्क्वेयर 8 का स्क्वेयर, ये घटा बटा कितना आ गया, ऐसे ही ये क्या है, लंब बट्टे कर्ण, लंब 3 है और कर्ण आपका 5 है, हमें आधार चाहिए तो आधार बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वेयर माइनस लंब का स्क्वेयर, ये आ गया, ये सॉल्व करा तो 4 आ गया, ये 4। अब हमारा 10 में क्या होता है, लंब बट्टे आधार, लंब आपका 8 है, आधार 15 है, तो 8/15, लंब 3 है, आधार क्या है 4 है, तो 3/4, बाकी को सॉल्व करा ये आ गया, ठीक है, इसी तरीके से होते हैं। चलिए आगे देखते हैं, आगे सवाल आपको करेंगे, ठीक है, चलिएगा देखो ये वाला सवाल है, आपको क्या करना है, ये बराबर ये प्रूव करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, देखो घबराना किसी में भी नहीं है, देखो आप सोचो जरा, यदि यहां पर 10 होता तो आप इसको 10 में बदल लो, इसको 10 में बदल लो, फिर 10x + 10y का फॉर्मूला लगा दो, तो सिंपल सी बात है, अभी भी आपका क्या बिगड़ रहा है, इसको भी 10 में बदल लो, इसको भी 10 में बदल लो, इसको भी 10 में बदल लो, फिर ये इसका फॉर्मूला लगा दो, ये चीज आ जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो आपको तो घबराना नहीं है किसी भी चीज, एक ही कॉन्सेप्ट बताया ना मैंने, त्रिभुज बना लो बस, त्रिभुज आप बना लो, ठीक है, त्रिभुज बनाना है आपको, 3 त्रिभुज बना लो, तीनों को बदल रहे हो तो आप, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहां पर क्या है आपका, देखिए कॉस दे रखा है LALKKA, इसका देखिए ये साइन होता है, ये है कॉस, बीच वाला कॉस है आधार बट्टे कर्ण, कॉस बराबर क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण, तो इसमें आधार आपका दे रखा है 4 और कर्ण आपको दे रखा है 5, ठीक है, इसमें आधार आपको दे रखा है कितना 12 और कर्ण कितना दे रखा है 13, इसमें आधार कितना दे रखा है आपको 33 और कर्ण आपको दे रखा है 65, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ये लंब निकालना है आपको, ठीक है, तो लंब बराबर क्या हो जाएगा, आप जानते हो लंब बराबर क्या, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, 5 25 माइनस 4 6 16,
25 में 16 जाएंगे कितने, 9 बचेंगे, 9 का मतलब 3, तो ये आ जाएगा 3, ठीक है। ऐसे ही इसमें कर लो, इसमें आपका लंब बराबर क्या हो जाएगा, इसमें 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, भाई कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, कर्ण है 13, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 169, 12 का स्क्वायर 144, घटा दो 9 में से 4 गए, 9 में से 4 गए तो 5, और 6 में से 4 जाएंगे तो 2 25 यानी कि 5 आ जाएगा। तो ये लंब कितना आ गया, लंब यहाँ पर 5 आ गया, ठीक है। इसका करो, इसमें लंब क्या हो जाएगा आपका 65 का स्क्वायर माइनस 33 का स्क्वायर। अब देखिएगा स्क्वायर करना भी आपका आना चाहिए, तो 65 का स्क्वायर तो मैं आपको सीधे सीधे बता दे रहा हूँ, ये कितना है 25 आ जाएगा, और 642 कितना आ जाएगा, माइनस 33 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, इसको इसका वर्गमूल, वर्ग करना मैं आपको ट्रिक में सिखा दूंगा जैसे मैं करता हूँ। देखिए इसका वर्गमूल वर्ग करोगे आप सीधे सीधे, 3 का वर्ग कितना हो जाएगा, 3 × 3 = 9, ओके, फिर 3 × 3 = 9 × 18, 18 का 8 हासिल 1, और 3 का वर्ग करेंगे इसका, 3 × 3 = 9 और 1 हो जाएगा 10, लोग कर लो कितना आ जाएगा 1089 कितना आ जाएगा। जब मैं इसको घटाऊंगा तो 5 15 15 में से 9 जाएंगे तो 6, और ये 3 और ये 31 36 बचेगा। 31 36 का वर्गमूल कैसे करोगे भाई, 31 36 का वर्गमूल करोगे तो डायरेक्टली मैं ये भी चीज आपको सिखा दूंगा, ये हो जाता है 6 का वर्गमूल, और इस 31 से पहले किसका वर्गमूल पड़ता है 5 का, तो 5 56, तो ये हो जाएगा आपका 56 का वर्गमूल डायरेक्टली। देख लो मैं सिखा दूंगा आपको वर्गमूल करना, वर्ग करना ये चीज आपको डायरेक्टली आना चाहिए ताकि हर किसी में, तो देखो यहां से आपको सारी चीज पता चल गई, ओके। इसको 10 में बदल दो, 10 इनवर्स 10 बराबर क्या होता है, लंब बट्टे आधार, लंब कितना आया 3 और आधार कितना है 4, प्लस 10 इनवर्स ये वाला, ठीक है। लंब बट्टे आधार, लंब आया है 5, आधार कितना है इसका 12 बराबर 10 इनवर्स, लंब कितना आया है 56 बट्टे आधार कितना है 33, ये रहा। तो देखिए ये चीज आ गई, ये वाली लाइन अब किसमें कन्वर्ट होगी, इसमें कन्वर्ट होगी। तो अब आपको क्या करना है, अब LHS ले लो, ये वाली चीज ले लो, और फिर ये चीज रूप में आ जाएगी, ठीक है। तो LHS, अब LHS ले लो, LHS बराबर कितना है 10 inverse 3/4 प्लस 10 इनवर्स, ये है आपका 5/12। तो ये अपने आप में फॉर्मूला बन गया, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई, ठीक है, 10 inverse x 10 inverse y का क्या हो जाएगा, x प्लस वाई, यानी 3/4 प्लस 5/12, 1 − 3/4 × 5/12, तो ये कितना हो जाएगा 10 इनवर्स। तो ये अपने आप में देखिएगा किस तरीके से बताया था मैंने, इसकी गुणा कर दो, 12 × 24 = 48 हो जाएगा, 48 12 × 36 पृथ्वी, 12 की मल्टीप्लाई इसमें, 4 की मल्टीप्लाई इसमें, प्लस 4 × 5 = 20। अब देखिए मैंने क्या बताई थी, नीचे नीचे बताई थी 12 × 48 और 48 यहाँ पे लिख दो, ये माइनस है तो माइनस लगा दो, 3 × 5 = 15, ये चीज। अब इसको सॉल्व करेंगे, 48 से 48 कट जाएगा तो 10 इनवर्स नीचे आ जाएगा, 48 में से 15 जाएंगे तो 33 बचेंगे, और ये कितना 56 आ जाएगा। यही चीज तो आपकी RHS है, देख लो यही चीज है ना RHS, 10 inverse 56/33 प्रूव, ठीक। मतलब यह है सवालों में कुछ ज्यादा खास नहीं है, बस इसको 10 में बदलना सीख लो, बस इसको भी 10 में बदलना सीख लो, फिर यहां से डायरेक्टली 10 का फॉर्मूला लगा दो, बाकी त्रिभुज बनाकर मैंने बता दिया। कैलकुलेशन आपकी फाड़ होनी चाहिए, कंप्यूटर से भी तेज, ठीक है। चलिए बहुत जल्दी इसको कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अगले सवाल पर देखिएगा, ये भी सवाल इसी तरीके का है, कॉस इनवर्स प्लस साइन इनवर्स बराबर साइन इनवर्स, तो इसको भी 10 में बदल लो, इसको भी 10 में बदल लो, इसको भी 10 में बदल लो, डायरेक्टली कर लेंगे। तो इसके लिए एक त्रिभुज बना लो अलग, इसके लिए अलग त्रिभुज हमने बना लिया, ठीक है। तो इसमें क्या है, कॉस एल ए एल के के ए, तो ये है साइन कॉस, कॉस में आधार बटे कर्ण दे रखा है, तो आधार ये 12 है और कर्ण आपका 13 है। दूसरी त्रिभुज में क्या होता है, साइन, साइन में लंब बटे कर्ण, लंब आपका 3 है और कर्ण आपका ये 5 है, ये भी साइन है, ठीक है। लंब बट्टे कर्ण, लंब आपका 56 है, कर्ण आपका 65 है, ठीक है। तो इसमें आधार निकालना है, इसमें आधार निकालना है, इसमें आपका लंब निकालना है, तो लंब बराबर क्या है, वही चीज है,
13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर क्या, लंब बराबर क्या होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, 13 का स्क्वायर 169, 144। ठीक है, तो कितना बचेगा, 25 बचेगा, 25 होता है 5 का, आप इतना तो समझ गए, 169 में 44, 144 गए तो 25 का वर्गमूल 5। ठीक है, इसमें आधार चाहिए, आधार, आधार बराबर क्या हो जाएगा, आधार बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस ये लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो यानी 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, 25 माइनस 9 ये 16 आ जाएगा, 16 होता है 4 का वर्गमूल। तो यहाँ पे आधार बराबर 4 आ गया, यहाँ पे आधार बराबर क्या आ जाएगा, देखिएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, कर्ण कितना है 65 का स्क्वायर माइनस 56 का स्क्वायर। देखिएगा, अब आप जानते हो 65 का स्क्वायर, देखिए जहां जिसके पीछे 5 आ जाता है उसका डायरेक्टली 25 लिख दो, 6 की गुणा अगले में कर दो, 6 × 7 = 42 माइनस इसकी गुणा कैसे करेंगे, 56 का स्क्वायर अभी अभी करा था, 31 36 आया था, 31 36। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 5 5 5 15 15 में से ये तो 1089 आ जाएगा, अभी अभी करा था ये बिल्कुल। और ये कितने का होता है, ये वर्गमूल होता है इसका 33, इन 3 × 9 = 33 हो जाएंगे, और ये 3 का होता है, 3 × 9 ये सीधे सीधे 33 का आ गया। ठीक है, अब इतना तो जानते ही हो आप, चलेगा। अब देखिएगा, ये डायरेक्टली वर्गमूल आपको डायरेक्टली आने चाहिए बिल्कुल। ठीक है, चलेगा, अब सीधे सीधे बात करते हैं, इसको बदल लो, ये हो जाएगा टेन इनवर्स, क्या होता है एल ए एल के ए, लंब बट्टे आधार, टेन बराबर होता है लंब बट्टे आधार, लंब 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 क्या है, लंब ये आया लंब 5 और आधार कितना है 12 प्लस टेन इनवर्स, लंब क्या है 3 आधार क्या है 4 बराबर टेन इनवर्स, लंब क्या है लंब, लंब है 56 बट्टे आधार क्या है 33 बस। अब एल एच एस ले लो, काम से काम करो, LHS कितना है आपका, टेन इनवर्स 5/12 प्लस टेन इनवर्स 3/4, सीधे सीधे टेन का फॉर्मूला लगा दो, टेन का फॉर्मूला x प्लस वाई 1 − x y, तो 5/12 प्लस 3/4 1 − 5/12 इंटू 3/4, कोई काटपीट तो करनी ही नहीं है आपको। ठीक है, कैसे सॉल्व करते हैं मैंने आपको बताया, 12 की मल्टीप्लाई करो 12 × 4 = 48, 4 × 5 = 20 प्लस 12 × 3 = 36, नीचे 12 × 4 = 48, 48 माइनस 5 × 3 = 15, सीधे सीधे आगे उसी चीज पे आ गए आप, टेन इनवर्स 48 से 48 कट गया, 48 में 33 बचे और ये 56 हो जाएंगे, वही चीज आपको प्रूफ, क्या चीज थी आगे, आर एच एस 56/33 आया नहीं आया, काम खत्म बस, और कुछ करना है, कुछ भी नहीं करना, बस ये त्रिभुजों का खेल है बस, और कुछ नहीं है, काम खत्म कर लीजिए जल्दी से। अब देखिएगा आया थे सातवें सवाल पर, सातवां सवाल क्या है, ये बराबर, ये टेन दे रखा कोई दिक्कत नहीं, ये बराबर ये प्रूव करना है, तो पहले इसमें आर एच एस ले लो, आपकी बात आर एच एस ले लेते हैं, साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5, चलिएगा त्रिभुज बना लो, क्योंकि इसमें कोई टेन में बदल लो, इसको भी टेन में बदल लो, फिर डायरेक्ट निकल लेंगे। ठीक है, तो ये आप पहले त्रिभुज बना लेंगे, त्रिभुज किस तरीके से बनेगा, और यहाँ पे भी एक त्रिभुज बना लो। ठीक है, आपको क्या पता है ये एल ए एल के ए, ठीक है, ये साइन दे रखा है, साइन साइन लंब बट्टे कर्ण होता है, लंब कितना है 5 और कर्ण है आपका 13, ये कॉस है आधार बट्टे कर्ण, आधार है 3 और कर्ण है आपका 5, सॉरी कर्ण है आपका 5। ठीक है, अब आपको ये इसमें आधार चाहिए, आधार आधार बराबर क्या 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, ये 189 में से 25 जाएंगे 144, 144 होता है 12 का वर्गमूल, इतना तो जानते ही हो आप। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, इसको लंब कैसे निकलेगा, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर होता है 25, 3 का स्क्वायर 9, तो बचेंगे 16, 16 का वर्गमूल होता है 4, इतना तो जान ही गए। सीधे सीधे चलेंगे अब आर एच एस बराबर क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स, टेन बराबर लंब बट्टे आधार, लंब क्या है 5 और आधार कितना आया है 12 है प्लस टेन इनवर्स, लंब क्या है इधर 4 और आधार कितना है 3, चलिएगा अब डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दो आप, क्या हो जाएगा टेन इनवर्स
एक्स प्लस वाई 5/12 प्लस 4/3 वन माइनस 5/12 इंटू 4/3 डायरेक्टली सॉल्व करना है, कोई भी काटपीट करनी हम पर काटपीट करनी नहीं आती इसलिए, ठीक है। 12 × 36 सीधे सीधे 3 × 3 = 15 प्लस 12 × 4 = 48 सीधे सीधे 12 × 36 36 माइनस, क्योंकि माइनस लग रहा है, 5 × 20 36 से 36 कटेंगे सीधे सीधे, आपका क्या बचेगा कितना 48 और 15 48 और 15 डायरेक्टली देखेंगे 63 हो जाएंगे देख लो है, और 36 में से 20 जाएंगे तो बचेंगे 16 डायरेक्टली प्रूव्ड। यही तो आपकी LHS है, ये रहा, यही चीज तो प्रूव करनी थी, हो गई ठीक है, एकदम लल्लन टॉप सवाल थे ना, ठीक है। अब इसमें देखिएगा, अब आपको हम क्या बता दें, इस एक्सरसाइज में देखिएगा, आठवां सवाल आपका छोड़ दिया है, यानी छोड़ा नहीं मतलब सिलेबस से काट दिया गया, पहले से गोला बन रहा है, क्योंकि हमने ये पहले बताया था क्यों कौन सिलेबस में काटे, एक 12वां सवाल काट दिया, 17वां काट दिया, 16वां सवाल काट दिया, हालांकि वैसे 15 के बाद में सब टिक मार्क है, तो टिक मार्क पर ज्यादा हम ध्यान देंगे, ये टिक मार्क को एक साथ कराएंगे हम। सीधे सीधे बात की जाए, 8वां पेपर से हट गया, 9वां 10वां 11वां 12वां हट गया, फिर 13वां 14वां एक सवाल कराएंगे, यानी कि 9 10 11 13 14 केवल 2 और 3 5 सवाल कराने, 5 सवाल कराएंगे हम अगले पार्ट में, ठीक है। ज्यादा बड़े नहीं, छोटे छोटे पार्ट करा रहे हैं ताकि आपको समझ में आता रहे, बाद में आपका पूरा लाइव में कराएंगे, चिंता नहीं करनी है। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, इसी तरीके के सवालों का आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है, ठीक चलिएगा। बाकी मिलेंगे कुछ ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।